इट्स मी जिश्तिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी, वैसे आज की वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेघना ने रिक्वेस्ट की थी और उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया है बट मैं लेकर आ गई हूँ वीडियो। और इस वीडियो ये जो वीडियो है ये है पीटीएम के लिए। जब भी आप स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल में जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को रेडी करके जाएं, यानी कि आप किस तरह से मेकअप करें, तो ये उन्होंने पूछा था। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है और सभी के लिए हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से कि वैसे तो नॉर्मल चीज़ है ये, लेकिन हमें एक थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो आपको देखना होता है कि वो जगह कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को रेडी करना होता है। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हो तो आप शादी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपना लुक क्रिएट करेंगे। अगर आप फैंसी कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं किसी अच्छे इवेंट्स में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वैसे प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे। तो आज मैं आपकी बेसिक चीज़ें यूज़ करूँगी। और क्योंकि जब हम पीटीएम के लिए जाते हैं तो हमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हमें अपना मेकअप नहीं करना है, बहुत हमारा लुक केकी नहीं लगना चाहिए है, एकदम सिंपल सोबर फॉर्मल लुक में हमें जाना चाहिए। बिकॉज जब हम स्कूल जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारा जो लुक है वो एकदम रॉयल लुक लगना चाहिए, यानी कि लगना चाहिए कि आप एज अ पेरेंट हैं। और पेरेंट्स को देखकर टीचर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो अगर स्टूडेंट है या बच्चा है तो उसके अगर पेरेंट्स को देखते हैं तो उससे लगता है कि हाँ वो अपने बच्चे पर कितना ज़्यादा केयर कर पाते हैं, अपने बच्चे पर कितना ध्यान दे पाते हैं, या बोलने का जो तरीका है, आप किस तरह से बात करते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एकदम नॉर्मल सा मेकअप कि हम जब भी बाहर जाते हैं स्कूल पीटीएम के लिए तो हमें किस तरह से मेकअप करना चाहिए। तो आज मैं जो चीज़ें जो भी मैं मेकअप यूज़ कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी वही यूज़ करें, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये आई शेडो पैलेट है, ये टोनर मैं करूँगी उसके लिए है, एंड ये जो है गार्नियर का बीबी क्रीम है, ये SPF लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये न्यूट्रीजिना का सन ब्लॉक है, एंड लिपस्टिक है, फेसेस का काजल है और लाइनर है। तो नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं वो है, ये फेस पाउडर है जो कि लैक्मे का है। तो चलिए मैं एक के बाद वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी मैं किस तरह से मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। जब भी आप पीटीएम के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स को कुछ ऐसा मतलब एज ए मदर को तो ऐसा क्रिएट करके जाना चाहिए, अपने आप को ऐसा लुक क्रिएट करना चाहिए कि आप बहुत ही मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लगे और आपका जो लुक है वो बहुत ही नेचुरल लुक लगे, जैसे कि आप एकदम रॉयल लुक लगना चाहिए, एकदम फॉर्मल लुक में जाएं। बहुत ज़्यादा हमें मेकअप नहीं लगाकर जाना है, बहुत मतलब लिपस्टिक का जैसे कलर है एकदम आपने रेड लगा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मॉर्निंग में ही पीटीएम होता है और मॉर्निंग में जब हम जाते हैं तो हमें अपना एकदम नॉर्मल फॉर्मल लुक में जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले मेकअप के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होता है हमारे फेस को अच्छे से टोनर करना, क्लिंजिंग मॉइस्चराइजर। वो तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी और आप भी इसे कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा अपने फेस को क्लिंजिंग से क्लीन कर लीजिए, देन उसके बाद टोनर लगा लीजिए और फिर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। और उसके बाद में आपको सबसे पहले मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपको लगाना है प्राइमर। जैसा कि आपको पता है प्राइमर बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। और आप जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, आप जितना भी मिनिमम मेकअप भी लगा रहे हैं तो वो भी आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा क्रिएट करेगा, आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपका जैसे टाइम निकलता है तो आपके फेस पर एज ए ग्लोइंग आने लग जाती है। तो आप इसे प्राइमर को ज़रूर यूज़ करिए और आपका जो मेकअप है एज इट इज़ रहेगा, जब तक आप घर वापस आएंगे तब तक एज इट इज़ रहेगा प्राइमर से। तो मैं यूज़ कर रही हूँ SQ स्टे क्विक का प्राइमर है ये, तो इसको हम थोड़ा सा लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, हम कहीं पर भी जाएं तो ये जो स्टेप है ना ये हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए क्योंकि मेकअप के ये सारे स्टेप बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपका मेकअप पूरे टाइम तक मतलब टिका रहेगा, आपका फेस बहुत ही अच्छा लगेगा, ग्लो ग्लो करेगा।
तो ये स्टेप आप हमेशा रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लगा लिया, कुछ भी पहले ये लगा लिया फिर वो लगा लिया, मतलब जैसे प्रोडक्ट सामने आए आप वैसे लगाते रहे, ऐसा नहीं होता है। मेकअप के लिए एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है हमें सारी चीज़ें, जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही अच्छा लुक आता है। काफ़ी लोगों का आप चेहरा देखते होंगे एक मेकअप के बाद में ऐसा लगता है जैसे सारा मेकअप बस मतलब बाहर ही निकल रहा है, तो उनको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है और वो कुछ भी लगा लेते हैं अपने फेस पर। तो चलिए हमने सबसे पहले जो है प्राइमर लगा लिया है पूरे फेस पर, और प्राइमर के बाद में अब मैं लगाने जा रही हूँ न्यूट्रीजिना का सन ब्लॉक। जैसा कि पता आपको पीटीएम के लिए जा रहे हैं तो मैं मॉर्निंग में ही जाना होता है, और मॉर्निंग में सनरेज की जो सनरेज है उससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे, तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। इसे तो आपको घर में है तो भी लगाना है, और हम बाहर जा रहे हैं तो ज़रूरी है, और आप बाहर जाने से 20 मिनट पहले इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अपना जो वर्क काम करना स्टार्ट करता है उसमें 20 मिनट लग जाते हैं, तो आप 20 मिनट पहले इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए। तो मैंने इतना ले लिया है और अब मैं अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूंगी। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देखिएगा, मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है, इसको क्यों लगाना क्यों जरूरी है और कैसे लगाया जाता है, इससे क्या फायदा होता है मेरी स्किन को, क्या नुकसान, सब कुछ मैंने क्लियरिटी से उस वीडियो में बताया है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फेस के साथ ही साथ हमें अपना नेक भी कवर करना है पूरा, अदरवाइज हमारा फेस और नेक का जो कलर है वो बिल्कुल अलग लगेगा, इसलिए आप जो भी फेस पर लगाएं उसको आप नेक पर भी साथ में लगाइए। अब हम लगाने जा रहे हैं बीबी क्रीम, क्योंकि हमें फाउंडेशन वगैरह मॉर्निंग में नहीं लगाना चाहिए और हम स्कूल जा रहे हैं, हमें नॉर्मल सा मेकअप चाहिए, तो हम फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सिंपल सा बीबी क्रीम। बीबी क्रीम आपके पास जो भी है वो लगाइए, मैं बीबी क्रीम वैसे मोस्टली पॉन्ड्स का लगाती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट अभी तक का फेवरेट रहा था, बिकॉज एक और आ गया तो मैं अब उसको फेवरेट मान रही हूँ, बिकॉज उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसलिए। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का बीबी क्रीम, आप देख सकते हो ये गार्नियर का बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है, मतलब 15 डेज हुए होंगे, 10 से 15 दिन हुए मुझे इसको यूज़ करते हुए, और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं लगाने जा रही हूँ बीबी क्रीम गार्नियर का। तो इसे भी हमें अपने पूरे फेस पर एज ए डॉट डॉट लगा लेना है। फेस पर लगाएं तब आप अपने ईयर पर भी इस तरह से एक बार हाथ फेर लें, पूरा ईयर पर भी इसको ऐसे कर लें,
ताकि आपके ईयर है वो भी अलग से नहीं दिखे। तो ये हो गया हमारा बीबी क्रीम है, और अब हम हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाएंगे। ये कॉम्पैक्ट मैं लैक्मे का लगा रही हूँ, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे देखिएगा। इसका सब कुछ मैंने बताया कि कैसा है क्या है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम लगा लेंगे हल्का सा, बिकॉज हमारा जो जो हमने बीबी क्रीम लगाया है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या ऐसा कुछ रहता है तो आप वहाँ पर इसे लगाएं, ताकि आपका वहाँ पर ऑयल वगैरह नहीं आएगा और आपका फेस अच्छा लगेगा। जैसे कि मुझे आइस के इस साइड में नोज़ पर, इधर में मतलब मेरा टी जोन जो एरिया है यहाँ पर मुझे हल्का सा स्वेटिंग हो जाती है, तो मैं इसे यहाँ पर हल्का हल्का बस एक बार लगा लूँगी। और आइज पर तो हमें हल्का सा इसे हमेशा लगाना चाहिए, बिकॉज हम जब काजल लगाते हैं तो हमारा काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ एक बार उसे भी चेक करिएगा। इन जो जो सारी वीडियोज हैं इन सब के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्चुअली लाइट चली गई है, सॉरी। तो इन सभी के मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे लिंक चेक कर लीजिएगा। और लाइट अभी चली गई है, तो कॉम्पैक्ट भी हो गया है। और अब हम लगाएंगे हल्का सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ, बिकॉज कॉन्टूर वगैरह करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, तो हल्का सा मैं ब्लश ज़रूर लगाऊंगी। देखिए बिल्कुल लाइट लगाया मैंने, और साथ ही साथ अब हम आइस पर भी हल्का सा लगाएंगे बिल्कुल लाइट। और आइस के लिए मैं आपको शेड कर आपको हल्का सा न्यूट शेड लेना है। ये वाला जो शेड आपको नज़र आ रहा है, ये शेड मैं लगाने जा रही हूँ, ये वाला शेड। हल्का बहुत लाइट शेड लगा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, बस जो नेचुरल जो लुक होता है ना वैसा ही आएगा इसमें। ये देखिए काजल, जो कि काजल मैं लगा रही हूँ फेसेस का, ये वाला। तो ये मैंने काजल लगा लिया है, अपनी आईब्रो सेट कर लेंगे। एक्चुअली आप आईब्रो सेट करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, एक्चुअली मेरी तो बहुत लाइट है तो मैं हमेशा आईब्रो तो सेट करती हूँ। और ये इस तरह से ये जेल है आईब्रो के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मैं इसी से अपना क्रिएट करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये ब्राउन शेड है,
लिपस्टिक जो कि लिपस्टिक में लगाने चाह रही हूँ, और लिपस्टिक मेरे पास न्यूड कलर में लगाऊंगी, रेड या पिंक या शेड नहीं लगा रही, और न्यूड कलर ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा आपका अगर आप नॉर्मल न्यूड कलर लगाएं तो। तो मेरे पास जो है वो है NY बेकी, एक तो है न्यूड कलर की लिपस्टिक और एक ये है, और दोनों का न्यूड शेड है, तो आप बताइए कौन सा शेड लगाऊं मैं। ये देखिए ये शेड लगा लेती हूँ, है ना। ये देखिए रिंग, आप छोटी छोटी इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, पहले इयररिंग पहन रही हूँ। और ड्रेसिंग में आप कुछ भी वियर कर सकते हैं, अगर आप जैसे आपका जो साड़ी है अगर आप साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी ही पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, जींस वगैरह मत पहन के जाइएगा बिकॉज जींस अच्छी नहीं लगती। रिंग मैंने पहन लिए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी पीटीएम के लिए। आप देख सकते हैं ओपन आप हेयर रखें तो आप पीछे एक क्लचर लगा लीजिएगा, ऐसे ओपन तो अच्छा नहीं लगेगा इतना, आप ऐसे करके और एक क्लचर लगा लीजिए पीछे। चुकी हूँ पीटीएम के लिए और मैं एक वॉच भी पहन रही हूँ, वॉच तो वॉच पहन लेते हैं। ये देखिए तो मैंने वॉच भी वियर कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेबी की स्कूल पीटीएम के लिए। तो बस आप चले जाइए, अच्छे से बात करिए नॉर्मल सी, और बस ये छोटा सा लुक क्रिएट किया मैंने, बस स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉलो करना है, और जो भी आपके पास मेकअप किट है, आपके पास मेकअप के जो भी प्रोडक्ट हैं आप वो यूज़ करके और अपना मेकअप अच्छा सा नॉर्मल एकदम नेचुरल मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस हम रेडी हो गए हैं, तो आप देखिए मैंने अभी लिपस्टिक चेंज की है, मैंने न्यूड कलर लगाया था तो वो भी सूट हो रहा था और मतलब अच्छा लग रहा था ऐसे स्कूल के लिए, और अभी मैंने इस पर हल्का सा पिंक एक मैंने दूसरी और है उसको इसके ऊपर हल्का सा लगा लिया, मतलब दो को मैंने मिक्स करके लगाया तो हल्का सा ये पिंक शेड भी दे रहा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगा के जा रहे हैं रेड वेड, तो ये भी मतलब नॉर्मल लुक आ रहा है। तो आप चाहें तो पिंक शेड भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो न्यूड शेड भी लगा सकते हैं, और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो ये लुक है ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप ये शेड भी लगा सकते हैं। तो बस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए, लाइक करिए और सभी के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपकी रिक्वेस्ट पर, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं वो मैं वीडियो लाती रहूँगी, थोड़ा सा डिले हो जाता है उसके लिए सॉरी, बट वीडियो में ज़रूर मुझे याद रहता है और मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो ये मैंने लुक क्रिएट किया, आपको होप सो पसंद आया होगा और बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है, हमें कोई बहुत ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना है बिकॉज हम पीटीएम में जा रहे हैं, और वहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आपका बात करने का वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि टीचर्स वगैरह के साथ में आपका वो अच्छा वो हो सके बाउंडिंग, और ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप ये मत सोचिए, क्योंकि काफ़ी मदर होती हैं वो बहुत डरती हैं पीटीएम में जाने के लिए कि यार हम बात कैसे करेंगे, हम बात कैसे करेंगे, हर स्कूल में इंग्लिश हो गई है, हर स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है और उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो वो डरती हैं, अरे यार इंग्लिश कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप अगर हिंदी में भी एकदम क्लियरिटी के साथ में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बात करेंगे तो आपकी हिंदी सबसे अच्छी है,
और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब कुछ समझ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अच्छे से बात करनी है, हिंदी में बात करिए, और इंग्लिश का ऐसा नहीं है, बस आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपनी कॉन्फिडेंस मतलब रखकर आप अपनी बात कहें, मतलब आगे वाले को अच्छे से समझ आनी चाहिए आपकी बात के आप क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। और किसी से भी आप बात करें तो आपको एज अ कॉन्फिडेंस रख के ही बात करनी है। आप बिल्कुल भी, अगर आपको इंग्लिश भी आ रही है और आप बिल्कुल झिझक रहे हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आपकी इंग्लिश का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसलिए हमेशा बस ये याद रखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको हर एक से बात करने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, और फिर आप अच्छे से जाइए एकदम बिंदास होके बात करिए, तो आपका कोई भी लैंग्वेज हो वो आगे वाले को बहुत पसंद आएगी, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस पसंद आएगा उसको। तो ये वीडियो आपके लिए, सभी के लिए थी, सभी को शेयर करिए, सभी मदर्स, काफ़ी लोग जो बहुत डरती हैं पीटीएम में जाने के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। और आपकी ड्रेसिंग जो भी है आप ड्रेसिंग वो पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सूट पहनना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ट्रेडिशन होता है कि वो कुछ भी दूसरा वियर नहीं करते, उनका जो ट्रेडिशन है वही ड्रेस वियर करते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो आप कैसा भी अपना वियर करके जा सकते हैं। बस आप एक जींस, मुझे नहीं लगता कि जींस कंफर्टेबल रहती है या जींस पहन के हमें पीटीएम में जाना चाहिए। मैं मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे अच्छा नहीं मानती। अगर आप मदर हैं तो आपको अपने उसमें आपको जाना चाहिए। और जो वीडियोस देख रहे हैं जो जींस पहनते हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरा कहने का सेंस वो नहीं है कि आप जींस बिल्कुल नहीं पहना, बट मैं जगह के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।